हेलो एवरीवन, मैं अंजू तोमर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करने वाले हैं। इनसाइड कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को यूज़ करके मैं एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। सो यस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 3-in-1 ऑयल फ्री प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ अपने टी जोन एरिया पर, जहाँ जहाँ हमारे पोर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड अप्लाई करने के साथ साथ थोड़ी देर अच्छे से मालिश कर लेंगे ताकि प्राइमर जो है ना हमारे फेस में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का HD फाउंडेशन यूज़ करूँगी। इसका जो शेड है वो LN10 है एंड इसको मैं अपने हैंड्स पे लेके अच्छे से मिक्स करके तब अपने फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई करूंगी ताकि इवनली हमारे फेस पर फाउंडेशन लगे। ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मीडियम कवरेज फाउंडेशन है एंड काफ़ी इजीली आपके फेस पे ब्लेंड हो जाता है एंड बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करवाता है। सबसे अच्छी चीज़ जो है ना इस फाउंडेशन की, आपको बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा, आपका फेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग रहेगा इसको अप्लाई करने के बाद। ये चीज़ मुझे इस फाउंडेशन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड इसका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है, तो अगर आप बिगनर्स वगैरह हो तो आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। बाय द वे, फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया था एंड डैब डैब मोशन में मैंने अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया ना। इसके बाद मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का HD कंसीलर यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे और जहाँ जहाँ मेरे दाग धब्बे हैं ना उस एरिया में अप्लाई करूँगी, जैसे कि आइज के नीचे हो गया, फोरहेड पे, नोज़ पे, बेसिकली जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी कंसीलर की सिर्फ हम वहीं पर कंसीलर अप्लाई करेंगे। अगेन मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को अच्छे से डैब डैब मोशन में ब्लेंड करूंगी। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि हमारा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद अब बारी आएगी हमारी आईब्रोज को फिल करने की। सो आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन इनसाइड कॉस्मेटिक्स की स्मच फ्री आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसका जो शेड है वो ब्लैक है, सो इसका शेड ब्लैक है, आईब्रोज ज़्यादा डार्क ना हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही कम अमाउंट में इसको यूज़ करेंगे, बहुत ही कम प्रोडक्ट हम अप्लाई करेंगे अपनी आईब्रोज पे। एंड आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन करने के बाद मैं क्या करूँगी, जो आईब्रो पेंसिल के पीछे स्पूली दी गई है उससे अपनी आईब्रोज को कॉम कर लूँगी ताकि मेरी आईब्रोज पे कोई भी हार्श लाइन ना दिखे और बहुत ही नेचुरल सा मेरे को रिजल्ट आए। नाउ अब बारी हमारी आई लुक की, तो आई लुक हम बहुत ज़्यादा सिंपल रखने वाले हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ग्लिटर आई शेडो इन दी शेड गैलेक्सी। सो इसको मैंने धीरे धीरे करके अपनी आईलेट पे अप्लाई किया एंड फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड किया। ये बहुत ही ईजिली फिंगर की हेल्प से ब्लेंड हो रहा था, तो मैंने अच्छे से ब्लेंड किया एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। नाउ इसके बाद मैंने जिससे अपनी आईब्रोज को फिल किया था ना, जिस आईब्रो पेंसिल से मैंने अपनी आईब्रोज को फिल किया था उसी से मैंने यहाँ पे आईलाइनर क्रिएट कर दिया, विंग लाइनर। सेम आईब्रो पेंसिल को मैं अपने लोअर लैश पे भी अप्लाई करूंगी एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मस्कारा। सो मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का लैश एक्सटेंशन मस्कारा। अपनी आईज पे धीरे धीरे अप्लाई करूंगी, अपर लैश पे भी एंड लोअर लैश पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे हम लोग। मस्कारा अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद मैंने अपनी जो नेक्स्ट आई थी वो मैंने ऑफ कैमरा कर ली। नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ट्रांसफर मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड मूडी। इसको मैं एज अ ब्लश एंड लिपस्टिक यूज़ करूँगी। सो पहले मैं अपने चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे इसको अप्लाई करूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी बहुत ही अच्छे से एंड टाइम लगा के। ना मेरे को चीक्स पे थोड़ा सा कम लग रहा था ब्लश, सो मैंने क्या करा, लिपस्टिक को फिर से दोनों चीक्स पे अपने अप्लाई किया एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। नाउ इसके बाद हम अपने लिप्स पे लिपस्टिक को अप्लाई कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी लिपस्टिक है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करवाती है, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का एल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर यूज़ करूँगी जो कि मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी, चीक बोन पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे एंड अप्लाई करने के बाद इसको फिंगर की हेल्प से हल्का सा ब्लेंड कर दूँगी ताकि बहुत ही नेचुरल सा लगे। नाउ मेरा जो मेकअप लुक है बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है। थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं।
सारे ही प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लेना ताकि मेरी ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।